क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25। तो रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर 7 के पावर 103 को अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर होगा। इसको हम लिख सकते हैं रिमाइंडर 7 के पावर स्क्वायर के पावर 51 इंटू 7, बिकॉज 51 इंटू 2 102 और इंटू 7 है ये हो गया 103 पावर डिवाइडेड बाय 25, इसी का रिमाइंडर निकालना है। इसको और लिख सकते हैं रिमाइंडर ऑफ 49 के पावर 51 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 25 को लिख सकते हैं 24 प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए अगर इस तरह से है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है पी ऑफ ए। अगर हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू हम मान लें 24, ठीक है, तो 20 में क्या है 24 प्लस एक्स, तो 24 प्लस 1 इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स माइनस ए के कॉरस्पॉन्डिंग के रूप में, तो क्या होगा 24 माइनस माइनस ऑफ 1। यहाँ पर ये एक्स माइनस ए के फॉर्म में आ गया तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर हो गया माइनस 1, ठीक है। और ऊपर मेरा पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बराबर हो गया 48 प्लस 1 के पावर 51 इंटू 7। एक्स बराबर 24 माने तो क्या हो गया 2x प्लस 1 के पावर 51 इंटू 7 ये हो गया। तो अगर नीचे में इस रिमाइंडर थ्योरम को यूज करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा पी ऑफ माइनस 1, दैट इज ए बराबर कितना माइनस 1 बराबर 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 के पावर 51 इंटू 7 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस 1 तो माइनस 1 के पावर 51 इंटू 7 बराबर माइनस 1 इंटू 7 बराबर माइनस 7। अब किसी भी संख्या से आप अगर डिवाइड कर रहे हो नीचे में कोई भी डिनोमिनेटर हो अगर माइनस में रिमाइंडर आता है तो उसको पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो यहाँ पर हम क्या एक्स माइनस माइनस वन इससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें इसको जैसे कि जोड़ देंगे, ठीक। हम कितना डिवाइड कर रहे थे जो टोटल कितना था हमारा एक्स माइनस माइनस वन, ठीक है, इतना से डिवाइड किया हमने, इतना में हम क्या करेंगे माइनस सेवन और जोड़ दिए तभी जो है पॉजिटिव आ गया, तो बराबर क्या हो गया एक्स प्लस वन माइनस सेवन बराबर एक्स माइनस सिक्स। हमारा रिमाइंडर कितना आया पॉजिटिव में एक्स माइनस सिक्स और हमें एक्स बराबर कितना माने थे 24, तो 24 माइनस सिक्स बराबर 18, तो ये हो गया आपका फाइनल रिमाइंडर। तो जब 7 टू द पावर 103 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 18। तो इस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए हम किसी भी रिमाइंडर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिना ये बाइनोमियल थ्योरम और वो एक्सपेंशन के हुए, हम सिंपली रिमाइंडर थ्योरम से ही रिमाइंडर निकाल सकते हैं कि जब भी किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड किया जाए तो क्या है। इस तरह के क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए सोल्व किया हुआ होगा और इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सिमिलर क्वेश्चंस को रिमाइंडर थ्योरम से यूज करते हुए कैसे सोल्व किया हुआ है।